मैं मेकअप से पहले ही अच्छी लग रही। बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है मेकअप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बोलेंगे वड्डी आई मेकअप करने वाली, बड़ा इसको मेकअप करना आता है, मुझे तो ये नहीं पता पहले कंसीलर लगता है या फाउंडेशन लगता है। क्या मैं बोला तूने? पहले कंसीलर लगता है या फाउंडेशन लगता है? आज हम करेंगे अपना मेकअप। और ये मेकअप ऐसा है कि जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ या थोड़ा बहुत इवेंट में जहाँ करना होता है, इतना मेकअप मुझे आता है ऐसे नहीं, बिल्कुल नल्ली फारग नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी ना, तो थोड़ा बहुत आता है। इसमें पहले सबसे पहले हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए। मैं तेरे बाप को मत सिखा चल, क्योंकि जो आपकी स्किन पर डस्ट होती है, जो पसीना वगैरह जो आया हुआ होता है, वो पहले उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। शुरू करते हैं अपना मेकअप। और पहले सबसे पहले हम अपने बालों को सही कर लेते हैं। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा चैनल आगे कैसे ग्रो करेगा और मैं आगे कैसे व्लॉग्स बना सकूंगी? तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई हमने ये लगा लिया है, ये हम खरीद के लाए थे 100 रुपये का। 100 रुपये का? यार मैंने लुंडे से नहीं खरीदा, एक शॉप से ही खरीदा था, लेकिन ये है 100 रुपये का। ये लगा लिया है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी सीरम। तो ये सीरम मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप यूट्यूब पे ब्रांड्स के नाम ले लेते हैं तो आपका चैनल जो है बैन हो जाता है, आपका अकाउंट बंद हो जाता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सीरम लगा लेंगे। और ये सीरम लगाने का ये है कि मेकअप से पहले इसको लगा लेना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी ग्लो करने लगे। ये सीरम वैसे ना वाकई में बहुत अच्छा है, मैं 2 महीने से इसको यूज कर रही हूँ और ये जितना मुझे फील हुआ है तो ये सीरम जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इसको लगाने के बाद मुझे जो है थोड़ा 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। 2000 years later शुरू करते हैं। मैंने जो है वो क्या था, सीरम लगा लिया था। अब मैं लगाऊंगी क्या, सनब्लॉक। मैं सनब्लॉक पहले नहीं लगाती थी, लेकिन मैंने सनब्लॉक लगाना शुरू कर दिया इसलिए क्योंकि मैंने बहुत जगह मेकअप आर्टिस्ट से ही सीखा है कि सनब्लॉक लगाने से आपकी स्किन जो है डैमेज नहीं होती है। और वैसे सनब्लॉक लगाना चाहिए बाहर के लिए ना, जैसे हमारे कराची का वेदर है ना, उस पर तो ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। खैर को हम अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। ऐसी नहीं हूँ मैं वैसे बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आता मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ बोलती हूँ मैं मुझे कुछ नहीं आता। आने को तो मुझे सब कुछ आता है, मेकअप भी कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। मेरे घर में ना मासी आती है, ना मेरे घर में कोई और खाना पकाता है, ना बर्तन धोता है, तो इसलिए मुझे सुबह उठ के ना सफाई भी खुद करनी होती है, किचन भी साफ करना होता है, खाना भी बनाना होता है और ये सारे काम भी करना होता है, तो इसलिए भाई मैं सारी नहीं लगती। खैर मेरा हो गया है, क्या लग गया है ये सनब्लॉक। तो अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। अरे मैं आपको एक चीज तो दिखाना भूल ही गई। तो यार मैं पहले मुझे मेकअप तो ऐसी बस मैंने ये लगाया क्या नाम है सनब्लॉक लगाया, फेस पाउडर लगाया और चली गई। और यार मेकअप तो मैंने कभी किया करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी, सुंदर चली गई है ना, सुंदर करती थी। कोई भी इवेंट होता था यार मुझे बड़ी याद आती, आई लव सुंदर, मुझे सुंदर इसलिए बहुत याद आती है, इसलिए नहीं याद आती कि मैं उससे मेकअप करवाती थी, मुझे वैसे भी बहुत याद आती है। बहुत तेज हो रहा है। खैर मैंने ये ब्रशेस मंगवाए थे तो आज मैं इनको फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी मेरा न्यू है जो मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, तो जो देखेंगे ना वो ये नहीं बोलना कि तुमने कुछ मंगवा लिया तो मंगवा लिया, मैं क्या कर सकती। अरे कहना क्या चाहते हो। खैर चलो अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको देन ये फाउंडेशन मैंने फिर हल्का हम इसको यहाँ पे टैप करें। ये नहीं पूरा हाथ है मसल ये ना पूरा वो कर ले, लग रही ना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, देख के मैंने खुद पूछ के जो है ना, मैं इसलिए ज्यादा मेकअप नहीं कर रही कि यार मुझे कहीं जाना थोड़ी है।
खैर इसको अब हम फाउंडेशन दिख रहा है आपको अच्छा सा लगता है देख रहे हैं मैंने फाउंडेशन कितना अच्छा लगाया लेकिन ये फाउंडेशन लगाना मैंने सुंदर से ही सीखा मेरा फाउंडेशन लग गया था अब ये लगेगा मेरा कंसीलर वैसे कंसीलर लगाने की मुझे जरूरत तो नहीं है फिर भी कंसीलर लगा लेते हैं आप चेक करें कि मैं बगैर मिरर के मेकअप कर रही हूँ तो ना टैलेंट है नहीं टैलेंट नहीं है तो मैंने खैर मैंने ही लगा चुकी है अब मैं इसको भी टैप करूंगी तो पर मेरा कंसीलर भी लग चुका है और कंसीलर लगा ये अब आप देख रहे हैं मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया कंसीलर भी लगा लिया अब बारी है किसकी फेस पाउडर की तो अब हम लगाएंगे फेस पाउडर हम फेस पाउडर इससे लगाएंगे स्टार्ट करते हैं हम अपना आई मेकअप तो आई मेकअप में इतना कोई खास नहीं करूंगी लेकिन अगर मुझे लाइनर भी लगाना होता है ना तो मैं क्रीज जो है जरूर बना लेती हूँ इससे ना लाइनर जो है ना बहुत अच्छा लगता है तो ये जो ब्राउन शेड है ये वाला शेड मैं इससे बनाऊंगी क्रीज और मेरे एक और चीज सीखे ब्रश को कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ते यहाँ से पकड़ते ये तो लेटेस्ट न्यूज है आके जो है सो देख रहे हैं आता है इसलिए देख लिया तुम आपकी बहन को इतना तो मेकअप करना आ गया है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई आपको दूसरी आय का कटिंग तो मैंने बिल्कुल बराबर हुआ है ना अब वो तो आप लोग देख के बताएंगे मेरा बराबर है या नहीं तो मैं एक चीज रह गई थी मैंने कहा चलो ये मैं आपको दिखा देती हूँ जब थोड़ा सा आई ये है आंखों के नीचे भी लगा लेते हैं सो ये बन गई हमारी आई की क्रीज खैर अब हो गया है ये हमारा बस इतना ही मुझे अपना आई मेकअप करना था कोई मुझे इतना वो नहीं अलाउड करना था अब मैं लगाऊंगी ये हाइलाइटर हाइलाइटर जो है ये वाला ये मैं ज्यादा उसको थोड़ा मैं फिंगर का भी इस्तेमाल करती हूँ फिंगर से ये ऊपर जो है ना उसको थोड़ी शाइनिंग आ जाती है ना अच्छा लगता है चेक करो चेक है अब ये मेरा इतना हो गया है आई क्या आई मेकअप अब मैं जरा अपनी आईब्रो को सेट करती हूँ वैसे तो मुझे आईब्रो बनाने नहीं आती है लेकिन फिर भी इसको हम सेट करते हैं ये ब्राउन पेंसिल है तो अब हम थोड़ी सी क्या करते हैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे ना ज्यादा डार्क हो जाती है ना आईब्रोज पे ऐसा लगता है जकूटा जिन आ गया तो ये हाथों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि नकली नाखून लगाए कि तो इसलिए मैं ना आईब्रोज को ज्यादा नहीं छेड़ती और ना मैं अगर मैं पार्लर वगैरह से भी तैयार होती हूँ वैसे पार्लर से तैयार नहीं होती सिर्फ उनकी शादी में हुई थी तो उनको भी मैं बोलती भाई मेरी आईब्रो को ज्यादा नहीं छेड़ेगा वरना मुझे ना बहुत ऐसा लगता है जैसे जकूटा जिन जो है मैं क्या बता रही थी आप लोगों को मेकअप के बारे में तो मैं सिर्फ सुंदर से सेटिस्फाई थी तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा अब मैं करने जा रही हूँ बड़ा मुश्किल काम तो इसमें तो मैं बात कर भी नहीं सकती क्योंकि लाइनर एक आंख का सही लग जाएगा दूसरा आंख का सही नहीं लगेगा मुझे पहले तो चल बिस्मिल्लाह लगाते हैं लाइनर यहाँ से खराब हो चुका है और मुझे इसके लिए चाहिए लगा अच्छा लगा लाइनर चला मैं दूसरा लगा
देखो गाइस मेरा लाइनर लग चुका है। लाइनर वैसे मुझे इतना लंबा नहीं लगाना था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना सा लगाना था, लेकिन एक आई का मेरा लंबा हो गया तो इसलिए अब मुझे दूसरे का भी थोड़ा सा करना पड़ा। खैर ये हो गया है मेरा लाइनर, लेकिन अब मुझे लगानी है व्हाइट पेंसिल। तो व्हाइट पेंसिल लगाने से होता है कि आपकी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, तो हम लगाते हैं व्हाइट पेंसिल अंदर। हाँ तो व्हाइट पेंसिल हम लगा ली है, अब इसके बाद लगाएंगे मस्कारा। तो मस्कारा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है भाई, मस्कारा लगाने से जो हमारी आईलैशेस वैसे ही नहीं है तो इससे थोड़ी सी छो जाती है। तब हम लगाएंगे मस्कारा। तो मस्कारा सूख गया है पूरी तरह। पता ना मस्कारा क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उस दिन मैंने मेकअप किया था और उसके बाद आज मैंने जो है ये चीजें देखी हैं और मेरा मस्कारा आधा खुला हुआ था, तो ये मुझे लगता है सूख चुका है, मुझे इसको भी नया लाना पड़ेगा। सो लग गया है मेरा मस्कारा भी। अब हम करेंगे क्या, हाइलाइटर। थोड़ा सा हाइलाइटर जो है मैं यहाँ लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये ज्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल आ रहा है मुझे पढ़ना। मेरा आई मेकअप हो चुका है, आई मेकअप मुझे इतना ही करना था। हम लगाएंगे ब्लश ऑन। मेरे पास ये वाली तो अब मैं ज्यादा ब्लश ऑन जो लगाती हूँ ना वो मैं सिर्फ ये वाला लगाती हूँ, ये वाला और ये वाला मिक्स करके लगाती हूँ। तो इसलिए अब हम करेंगे से लगाएंगे हम लोग ब्लश ऑन। वैसे मेरा ना दिल चाह रहा है मैं कहीं चली जाऊं, लेकिन जाऊं कहां, जाऊं ये तो बात है ना, जाऊं कहां। वीगो नहीं है, अगर अभी भी मुझे कोई ऐसी फ्रेंड बोलेगी ना जिससे मैंने अभी सोचा है मैं कभी मिलूंगी नहीं, लेकिन अगर वो मुझे बोलेगी ना यार कहीं चलते हैं, तो अगर मेरा दिल होगा तो मैं चलते हूँ। देख रहा पोनी की ये जो क्या है पैंट वो खुद ही उतर गया, ये भी उतर गया। तो ऐसा सीन होता है कि मैं जो है चली जाती हूँ, मैं अपनी खुशी अब खुशियां ढूंढती हूँ भाई। ये नहीं लग रहा, अब ये लगा लेते हैं बस। तो मैं हर चीज में ना आजकल मेरा ये हो गया कि मैं हर चीज में खुशी ढूंढ रही हूँ। बस लाएगा क्या, अब लाएंगे हम हाइलाइटर, लेकिन ये वाला सीन नहीं है मेरे अंदर के, नहीं ईगो वाली नहीं है। यहाँ पे हम लाएंगे हाइलाइटर, ईगो वाला सीन नहीं है मेरे अंदर कि हम किसी को ईगो दिखाएं। और एक बात बताती हूँ मैं आपका, मुझे ना घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो इसलिए बस मुझे ना घूमने के लिए कोई साथ चाहिए होता है, कोई भी दोस्त हो आप वो, तो इसलिए मुझे ये मतलब नहीं होता कि भाई वो मेरे बारे में वो क्या बोल रहा है, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, क्या है क्या नहीं है। मुझे बस मुझे मतलब होता है कि भाई मैं जाऊंगी और मेरा दिन अच्छा गुजर जाएगा, बस दैट्स इट। चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेकअप से पहले ही अच्छी लग रही हूँ। बात तो सही है। अब बारी है हमारे ग्लॉस लगाने की। आप
सोच रहा हूँ इतनी हल्की लिपस्टिक कैसे लगा सकती है, मैं तो लगाती नहीं हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं दो ग्लॉस मिला के, मतलब दो ग्लॉस जो होते हैं ना, ये एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। इसको अब हम थोड़ी सी, मैं अपने लिप्स को सही करने के लिए जो है ये वाली और इससे ये वाले शेड से आउटलाइन बनाती हूँ, ताकि जो है सो फाइनल मेरा मेकअप हो चुका है। और मैं इतना ही मेकअप करने वाली थी अपना, इससे ज्यादा तो नहीं करने वाली थी, ये भी ज्यादा हो गया है मेरा मेकअप। सो ये मेरा मेकअप हो चुका है और थोड़ा ब्लू भी कर लिया, छोड़ लिया मैंने मेकअप, घर में ही अच्छा मेकअप होता है, अगर अभी हम कहीं जाएंगे तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो ये आज का मेरा छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल था, और जो है आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे भी मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। सो आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।